नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव आइडियाज़ विद पुष्पा में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा जी की ड्रेस बना के लेके आई हूँ। मैंने इस ड्रेस में कंट्रास्ट कलर का यूज़ किया हुआ है। आई होप आपको यह ड्रेस पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने माता का लहंगा बनाने के लिए हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लिया है, जिसमें महीन सिपियों का काम है। और मैं इसकी लंबाई आपको बता देती हूँ। 5.5 इंच मैंने लंबा रखा हुआ है और इसमें 17 इंच मैंने चौड़ाई रखी। तो दोस्तों, इसमें मैं कमर से 2 इंच का एक क्रीम कलर का कपड़ा लगाऊंगी। ये भी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, इसे मैं कमर की साइड से लगाऊंगी और नीचे की साइड से लेस लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़ा रेडी कर लिया है, लेस भी लग गई है। अब मैं इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालूंगी दोस्तों, और इसके कमर से हम डोरी लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे लहंगा तैयार हो चुका है। तो देखिए, लहंगा बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें कंट्रास्ट का बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब हम चुन्नी बनाएंगे दोस्तों। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच और 10 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। तो मैंने लहंगे में कंट्रास्ट का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे भी कंट्रास्ट ही बनाऊंगी दुपट्टा भी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है क्रीम कलर का, तो हम इस पर जोड़ देंगे। और इन दोनों को जोड़ करके जो चौड़ाई होगी चुन्नी की, वो हम 3 इंच के बराबर ही लेंगे, 3 इंच जितनी होगी। अब हमें इसके चारों तरफ लेस लगानी है दोस्तों। तो हमारी चुन्नी तैयार हो चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर बन के आई है चुन्नी। और देखिए, आप लहंगे और चुन्नी को लगा कर देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंट्रास्ट में बहुत सुंदर लग रही है। अब हम इसका ब्लाउज़ बनाएंगे। तो दोस्तों, ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रीम कलर के कपड़े का प्रयोग किया है। तो मैं इसमें देखिए, इसकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। तो मैं इसके बीच में से कट लगा दूँगी, एक आधे इंच तक नीचे से छोड़ूंगी मैं इसको। देखिए, यहाँ पे से इतना आधा इंच मैंने छोड़ दिया है उतना। तो इसके हम चारों तरफ लेस लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे पूरा एक बीच में से कट कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं लेस। तो नीचे से मैंने डोरी भी लगा दी है, देखो। तो हमारा ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है। तो बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बन के आया है दोस्तों। तो हमारी पूरी ड्रेस कम्प्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर ड्रेस बनी हुई है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।